क्या आप मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं एंड अभी फिलहाल आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है कि आप अच्छा खासा एक्शन कैमरा खरीद सके लाइक गोप्रो। वैसे तो मेरे पास भी नहीं है, इसीलिए भाई मैं भी तैयार कर रहा हूँ। तो देखो भाई, 800 के अंदर ही आप एक अच्छा खासा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप तैयार कर सकते। कैसे, वो मैं इस वीडियो में आपको तैयार करके बताऊंगा। तो भाई देखो, अभी अगर आप फिलहाल मोटो ब्लॉगिंग अपने स्मार्टफोन से करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो एक स्मार्टफोन, जो कि आपके पास जनरली होता है, ये सबके पास होता है, तो आप स्मार्टफोन से मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको हेलमेट माउंट खरीदना पड़ेगा। तो आप देखिए, ये जो हेलमेट माउंट है एक्शन प्रो का, इस एक्शन प्रो का हेलमेट माउंट में हमें क्या क्या चीज़ मिलता है वो सारी चीज़ सबसे पहले देख लेते हैं इसको ओपन करके। तो इसका प्राइस आपको लगभग 380 to 390 रुपीज़ लगेगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले ये दो चीज़ आपको मिलता है जो आप हेलमेट में माउंट कर सकते हैं। एंड हेलमेट में माउंट करने के लिए यहाँ पे दो टेप आपको मिलता है, इस टेप को इसमें लगा सकते हैं एंड इस टेप को इसमें, मीन्स अलग अलग टाइप को दो शेप में आपको मिल जाता है। तो इस दोनों में से किसी को भी आप लगा सकते हैं। ये पहला चीज़ हो गया एंड ये टेप उनके साथ हो गया। तो इन दोनों चीज़ को हटाते साइड में। इसके बाद ये स्क्रू मिलता है, इस स्क्रू को आप इस जगह पर लगा सकते हैं इस टाइप से। तो ये दो स्क्रू हमें मिलता है एंड इसको भी साइड में रखते हैं। ये एक यहाँ पे आपको इस रबर टाइप का एक चीज़ मिलता है। इसके बाद यहाँ इसको आप इस चीज़ पे माउंट कर सकते हैं, यहाँ पे माउंट कर सकते हैं। तो इसको मैं बाद में माउंट करके दिखाऊंगा। एंड इसके बाद देखिए, कुछ इस टाइप का दो एडाप्टर मिलता है। लगभग 380 to 390 रुपीज़ का आपको ये हेलमेट माउंट पड़ेगा। इसके बाद आपको एक ट्राइपॉड माउंट एडाप्टर खरीदना पड़ेगा। ये भी एक्शन प्रो का आपको आएगा। ये लगभग आपको अप्रोक्स 200 रुपीज़ का पड़ेगा ये ट्राइपॉड माउंट एडाप्टर। तो एक्शन प्रो का जो ट्राइपॉड माउंट एडाप्टर है, आपको कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो ये जो प्रोडक्ट है, बस इतना छोटा सा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसका प्राइस आपको लगभग 200 रुपीज़ पड़ेगा। तो कुछ देखिए, इस टाइप का आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अगला चीज़ जो कि आपको खरीदना पड़ेगा, कुछ इस टाइप का आपको मोबाइल होल्डर क्लिप खरीदना पड़ेगा, जिसमें आपको ध्यान रखना होगा कि पीछे में इस आपको स्क्रू लगाने का ऑप्शन होगा एंड इस साइड में भी ऑप्शन होगा, इस साइड में भी स्क्रू लगाने का ऑप्शन होगा आपके पास। तो इस टाइप का आपको एक ट्राइपॉड माउंट, एक मोबाइल होल्डर खरीदना पड़ेगा। एंड हाँ, आप 3-way मोबाइल होल्डर भी खरीद सकते हैं। इस मोबाइल होल्डर का जो प्राइस है, ये लगभग आपको 150 के अप्रोक्स पड़ेगा। एंड आप अगर 3-way वाला मोबाइल होल्डर खरीदेंगे, आपको स्क्रीनशॉट साइड में दिख रहा होगा, उसका प्राइस थोड़ा आपको ज़्यादा पड़ेगा। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा सेफ्टी आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप खरीद सकते हैं, बट इससे भी आपका काम चल जाएगा। एंड इसके बाद कुछ और चीज़ें आपको जरूरत पड़ेगी, लाइक यहाँ पे आपको एक फेविक्विक 10 रुपये का ले लेना, एक एमसील 10 रुपये का ले लेना। आप फेविक्विक और एमसील ले लेंगे तो यहाँ पे आपको सेफ्टी बढ़ जाएगा। आपका जो वहां पे स्टिकर दिया रहता है, उस स्टिकर को भी आप यूज कर सकते हैं, बट मैं कहूंगा कि आप एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए एमसील और फेविक्विक को भी परचेस कर लीजिए। एंड लास्टली आपको चाहिए एक हेलमेट। हेलमेट तो किसी के पास भी हो, सबके पास हेलमेट होता है। तो अब आ जाते हैं डायरेक्टली अपने हेलमेट पे, कैसे हम अपना सेटअप तैयार कर सकते हैं। तो चलो भाई, तो गाइज अब हम अपने हेलमेट पे आ चुके हैं। तो हेलमेट का सबसे पहले वाइजर को हम ऊपर कर देते हैं। इसके बाद देखिए, मेरा हेलमेट यहाँ पे प्लेन नहीं है, तो इस हेलमेट को प्लेन करने के लिए सबसे पहले हम एमसील का यूज करेंगे। तो ये रहा एमसील, एंड एमसील को निकालते हैं। एंड एमसील में दो चीज़ आपको देखने को मिलता है, इन दोनों को मिक्स करना पड़ता है। सो गाइज, एमसील का जो ये दोनों है, इन दोनों को हमें मिक्स करना पड़ेगा। अच्छा से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गाइज, एमसील जो ये पूरा मिक्स हो चुका है, थोरोली मिक्स हो चुका है, बट मेरा हाथ भी पूरा गंदा हो चुका है। ठीक है, इतना चलता है अभी। तो इसको सबसे पहले एक काम करते, इस प्लास्टिक के ऊपर रखते हैं एंड इसको इस जगह पे लगा देते हैं हेलमेट पे। यहाँ पे हमें हेलमेट के इस जगह को प्लेन करना होगा सबसे पहले, तो इसको एमसील से प्लेन कर देते हैं। इसको मैंने एमसील से पूरा सील कर दिया, एमसील से इसको प्लेन कर दिया। एंड एमसील से प्लेन करने के बाद देखिए, आपको अपना टाइम लेना, आराम से टाइम लेके इसको पूरा प्लेन करना। आपका अगर हेलमेट में ये पहले से प्लेन, ये एरिया प्लेन है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों में से आप कोई भी एडाप्टर लगा सकते हैं। ये जो हेलमेट माउंट है, इन दोनों में से कोई भी आप हेलमेट माउंट लगा सकते हैं अपने हेलमेट के मुताबिक। तो आपको देख लेना आपके हेलमेट के मुताबिक कौन सा ज़्यादा बेस्ट फिट हो रहा है आपका हेलमेट में इस जगह पर। तो जो भी आपका बेस्ट फिट हो रहा है, आपको उसको लगा लेना है। तो मैंने अपना हेलमेट में चेक किया, तो मेरा हेलमेट में ये जो स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला ज्यादा बेस्ट तरीके से फिट हो रहा है। तो आप क्या करना है, इस जो टेप है, इस टेप को निकालते हैं सबसे पहले। इस रेड साइड को निकालने के बाद देखिए, अब इस पे मैं डायरेक्टली पूरा भरोसा नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं और एक चीज क्या करूंगा, इस पे मैं फेविक्विक लगा दूंगा। एंड फेविक्विक लगाने के बाद इस टेप से मैं चिपकाऊंगा इस
हेलमेट माउंट को, तो सबसे पहले इस पर फेविक्विक अटैच कर देते हैं। तो अब देखिए फेविक्विक को इसमें पूरा चारों तरफ से अच्छा से लगा देने के बाद इस स्टिकर को मैं और इस तरफ से भी ओपन कर देता हूँ, इस तरफ से ओपन कर देता हूँ इस स्टिकर को, एंड इसके बाद इस पर अटैच कर देता हूँ। आपको अच्छा से ध्यान में रख के अटैच करना, थोड़ा भी कॉर्नर मीन्स बाहर ना जाए, तो इसको ध्यान से आपको अटैच करना है, एंड इसको आपको अच्छा से प्रेस कर देना ताकि ये अच्छा से चिपक जाए। फेविक्विक भी मैंने एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए लगा दिया क्योंकि मैं इस स्टिकर के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा अच्छा ये स्टिकर आपको नहीं मिलता है। एंड इसके बाद और एक चीज़ मैं क्या करूँगा, इस स्टिकर के ऊपर मैं फेविक्विक लगाऊंगा, इस स्टिकर के ऊपर थोरोली मैं पूरा फेविक्विक लगा दूंगा, एंड इसके बाद हेलमेट में इस माउंट को मैं लगाऊंगा। इसमें मैंने थोरोली अच्छा से फेविक्विक लगा दिया, अब इसको यहाँ पर चिपकाना है। तो इसको देखिए किस तरीके से चिपकाना है, इसको आपको इस जगह पे बढ़िया से चिपकाना, एकदम पूरा अच्छा से चिपकाना जैसे ये गिरे ना, एंड इसको आपको अच्छा से प्रेस करना। तो इसको आपको अच्छा से प्रेस कर लेना है, देखिए अब पूरा प्रेस करने के बाद देखिए ये चिपके जैसे चिपक जाता है, उसके बाद देखिए इस साइड कॉर्नर में भी ये रह जाता है, ये साइड में कॉर्नर में देखिए ये रह जाता है, पूरा अच्छा से नहीं होता। तो इसके इसीलिए मैंने एमसील लाया, तो अब एमसील का यूज अब असली जगह पे होगा। आपका अगर जैसे वहाँ पे एमसील का ज़रूरत नहीं होता पहले, तो फिर भी यहाँ पे एमसील का ज़रूरत ज़रूर पड़ेगा। तो अब देखिए एमसील से आपको क्या करना है, इसके बाद एमसील का आपको क्या काम आएगा, ये पूरी अच्छे से चिपक जाने के बाद आपको एमसील से इसको चारों तरफ घेर देना है। देखिए इस एमसील से मैं चारों तरफ इसको घेर दूँगा, तो इस टाइप से आपको लगा देना है एमसील चारों तरफ ताकि ये पूरा सेफ हो जाए। गाइस अब मैंने इसको एमसील से चारों ओर घेर दिया, मीन्स चारों ओर आप देख सकते हैं इस जगह पे एमसील से मैंने पूरा इसको सील कर दिया, इस चारों ओर मैंने एमसील से इसको सील कर दिया, तो ये हेलमेट माउंट बन गया। यहाँ पे अब मैं इसको इस एडेप्टर को लगा, यहाँ पे एडेप्टर लगा के स्मार्टफोन को होल्ड करा सकता हूँ। इसके बाद आपको इस एडेप्टर का यूज़ करना है, ये जो एडेप्टर है इसका काम अब आता है। इसके बाद देखिए ये जो है आपको आप इस तरीके से भी घुसा सकते हैं एंड इस तरीके से भी घुसा सकते हैं, तो जो ये साइड है इस साइड से ही आपका ये अंदर घुसेगा, तो इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है एंड इसको प्रेस करके यहाँ पे घुसाना है। देखिए इस टाइप से आपको इसको अंदर घुसाना है, मैं इसको नीचे साइड रखना चाहता हूँ इसलिए ऊपर से घुसाऊंगा, आप अगर इसको ऊपर साइड रखना चाहेंगे तो आप इसको नीचे से ऐसे घुसाएंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सा प्रेस कर देता हूँ एंड इसको प्रेस करके मैं इसको अंदर घुसा देता हूँ। हाँ तो देखिए अब इसको मैंने फिट कर दिया, तो इतना मेरा काम हो चुका है। इसके बाद का काम क्या है, इसके बाद इसका काम आएगा। तो देखिए अब इस पर डायरेक्टली आप इसको तो माउंट नहीं कर सकते, इसको माउंट करने के लिए इस एडाप्टर का ज़रूरत पड़ेगा। ये जो एडाप्टर है इस एडाप्टर का काम आपको अब पड़ेगा। तो देखिए इस एडाप्टर को कैसे यहाँ पर फिट करना है, तो इस एडाप्टर को फिट करने के लिए सबसे पहले आपको इसको इस जगह पर घुसा देना अच्छा से, जैसे आप इसको घुसा देंगे इस जगह पर, इसके बाद इसको यहाँ पे स्क्रू से टाइट कर देना है। तो आप अपने हिसाब से सेट करके टाइट कर देंगे तो इतना काम हमारा हो चुका है। इसके बाद अगला काम जो हमारे है उसको इसको लगाना है, तो इसको इसके बाद लगा देते हैं। देखिए अब हमारा स्मार्टफोन माउंट भी लग चुका है, तो इतना काम हमारा हो चुका है। अब ये हमारा जो है हेलमेट में स्मार्टफोन माउंट बन चुका है, अब इसमें हम अपना स्मार्टफोन को माउंट कर सकते हैं, एंड हम मैं इसको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा आपको किस कैसे करना है। तो इसके बाद हम प्रैक्टिकल पर चले जाएंगे, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा, हाँ तो इस तरीके से हमारा हेलमेट में ये माउंट हो जाएगा। सो गाइस सबसे पहले मास्क को साइड रखते हैं क्योंकि आवाज़ वॉइस नहीं आएगा, थोड़ा सामने आ जाना कैमरामैन, वॉइस ठीक से रिकॉग्नाइज कर नहीं पाएगा इसलिए मैंने मास्क को रख दिया। तो देखिए मैंने ये सेटअप तो आपको घर में दिखा दिया था, ये सेटअप मैंने कर लिया, अब इसके साथ माइक जोड़ना जरूरी है। तो देखिए अब मेरे पास एक ही माइक है एंड इसी से मैं अपना डेली टेक वीडियोस बनाता हूँ, तो इसीलिए मैं इसको हेलमेट के अंदर नहीं सेट कर रहा हूँ, पूरा परमानेंट नहीं सेट कर रहा हूँ, अदरवाइज आप परमानेंट भी सेट कर सकते हैं। तो आपको अगर परमानेंट नहीं सेट करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको माइक खोलना, मेरा बोया का माइक है, तो बोया BY-M1 माइक है। तो सबसे पहले तो आपको अपने स्मार्टफोन में ये माइक लगाना है, थोड़ा इधर से दिखाना कैमरामैन, तो मैं अपना स्मार्टफोन पे ये माइक मैंने फिट कर दिया। इसके बाद आपको सिंपली करना ये कि माइक को इधर से अंदर ले लेना, आप इधर पहले पॉकेट में आप इस चीज़ को रख सकते हैं, इसको जैसे आप निकालते हैं यहाँ पे। उसके बाद सबसे पहले आपको करना है कि आपको अपना हेलमेट पहनना है, सबसे पहले आपको जैसे आप हेलमेट पहनते हैं उसके बाद आपको सिंपली इतना करना है कि देखिए आपको ये जो माइक है इस माइक को इधर कहीं आपको फिट कर लेना है साइड में, तो इधर करने से आपको क्या होगा आपका आवाज़ बहुत ही अच्छा से आएगा। तो मैं इसको फिट कर लेता हूँ,
सो गाइस अपने हेलमेट में मैंने माइक को फिट कर लिया, अब आपको हेलमेट पहन लेना एंड इसके बाद स्टार्ट करते हैं। सो गाइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, अब गाड़ी को ऑन करते हैं एंड उसके बाद आपको मोटो ब्लॉग करके दिखाते हैं स्मार्टफोन से, आप किस टाइप से मोटो ब्लॉग कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी ऑन करते हैं एंड चलते हैं। तो देखिए हमारा मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट हो चुका है एंड स्मार्टफोन को मैंने हेलमेट पे होल्ड किया एंड पूरा आराम से देखा। देखिए आगे में मेरा कैमरामैन खड़े, कैमरामैन मेरा फ्रेंड है आवाज एंड इसके बाद देखिए जो भी लोग बोलते हैं कि GoPro वगैरह चाहिए, SD cam चाहिए, जो GoPro अफोर्ड नहीं करते हैं कम से कम SD cam चाहिए बोलते हैं, तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं चाहिए भाई, आपके पास बस आपका जुनून होना चाहिए। आपके पास अगर आप जुनून हुआ कि मुझे करना है तो आप कर सकते हैं, आपके पास कुछ नहीं बस एक स्मार्टफोन होना चाहिए। बाकी तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूंगा, जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ मैं, व्यू किस टाइप से दिख रहा है आप अपने हिसाब से, जो भी एंगल है अपने वीडियो का तो एंगल आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं किसी भी टाइप का, मीन्स आपको थोड़ा ऊपर एंगल चाहिए या नीचे चाहिए एंड बहुत से स्मार्टफोन में अल्ट्रा वाइड का भी ऑप्शन देता है, तो अल्ट्रा वाइड वीडियोग्राफी भी आप कर सकते हैं स्मार्टफोन से। मेरा जो माइक था वो मैंने ठीक से होल्ड नहीं किया था क्योंकि फर्स्ट टाइम था, तो माइक ठीक से सेटअप नहीं था, मैंने बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग देखा, तो माइक को आप अगर ठीक से सेटअप करेंगे हेलमेट में तो फिर नॉइज नहीं आएगा, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगा, जैसे नॉइज बाहर का नॉइज आ रहा था तो नॉइज उतना ज़्यादा नहीं आएगा। आप अगर सही से माइक को होल्ड कराते अपने हेलमेट पे तो आपको माइक को सही से होल्ड कराना है एंड बाकी 800 के अंदर आप ये सेटअप बना सकते हैं, सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी प्रोडक्ट यूज किया मैंने, बस हेलमेट का प्राइस मैंने नहीं जोड़ा एंड जो माइक का प्राइस मैंने नहीं जोड़ा क्योंकि माइक मेरे पास पहले से था। आप अगर चाहे तो माइक भी परचेस कर सकते हैं, माइक का लिंक भी मैं दे दूंगा, माइक आप अगर परचेस करते हैं तो थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा बढ़ सकता है एंड बाकी जो भी चीज़ें आपने देख लिया। बाइक लगभग 50 से मैंने 60 के आसपास भी बाइक को दौड़ाया था, मीन्स बाइक को मैंने 60 के आसपास चलाया था, बट फिर भी ज़्यादा कोई एकदम वाइब्रेशन नहीं आया। मेरे पास आपको सही से होल्ड कराना है एंड भाई अपने रिस्क पे करना, क्योंकि आप किस टाइप से होल्ड कराते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर सही से इसको नहीं होल्ड कराते स्मार्टफोन को तो फिर आपकी गलती होगी, क्योंकि मैंने तो 60-70 के आसपास बाइक को चलाया फिर भी कोई दिक्कत नहीं हुई। एंड भाई अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिएगा एंड ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं, मीन्स आप कम पैसे में कैसे यूट्यूब में किस टाइप से आप सेटअप कर सकते हैं वो सारे चीज़ ऐसे बहुत से वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, तो इसीलिए चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना एंड वीडियो लाइक करना यार। बाय।